तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सादरी की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक आपके 16 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ये आपका है 17वां। इसमें बात करें वन हमारी जीवन रेखा, तो ये आपका वन के आसपास ही पूरा चैप्टर घूमेगा। याद रखिए आपको इन्हें इसे बड़े धैर्य के साथ सुनना है। जो भी इसका लास्ट में निष्कर्ष होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय करने अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े। इसलिए उन्हें इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। किन्हें? वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बात सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। बात करते हैं वन भ्रमण। एक परिवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें उन्हें पास के गांव का एक अपनी उम्र का एक लड़का टीहू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीहू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनंद पाने में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीहू ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उनकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीपू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीपू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि की के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था, एक भी आवरण इस तरह से। समान रूप से हरा नहीं था, वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। कुछ वन्य जंतु हैं आपके नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट हट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की उसे विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनिश्चित सुनकर उत्तेजित हो गए। टीगू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी कि बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी भी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि सुकर वराय या सुगर जिसे बोलते हैं, गौर, वायसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया और उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाने दिया। बूझो और पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6वीं में वनों को आवास के रूप में पढ़ा था। अब वे स्वयं देख रहे थे कि
कि मन किस प्रकार अनेक वस्तुओं और पात्रों के लिए आशय या फिर आवास प्रदान करते हैं। इस तरह से नीम हो गया, ये आपका बांस, शीशम हो गया, सेमल, जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, जंजीर, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार की वृक्ष, झाड़ियाँ, साग और घास पाई जाती। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरूही भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। बात करते हैं क्रियाकलाप 17.1 के बारे में। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया जा सकता है। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं होंगी, जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तिलियां, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जड़ी बूटी भी वनों से ही प्राप्त होती हैं। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण, नवोद्भिद और पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो आपका शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती। उन्होंने बताया कि वितान केनोपी कहलाता है, या आपका लकड़ी की मूर्ति हो गई, शहद हो गया, मुरली साग हो गया, गौन, कत्था, या आपका कुछ शिखर वाले वृक्ष हैं आपके। बात करते हैं हम क्रियाकलाप 17.2 आ में। पापों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका को भर सकते हैं। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। दी गई तालिका उदाहरण में जोड़े बबूल, शीशम, नीम, चंदन। चलिए अपन को निकल जाना है बस पढ़ के, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करना है, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना है। क्रियाकलाप 17.2 में अपने आसपास के विभिन्न के वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने के प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई, पत्तियां का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बना सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति आमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती, इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और नीचे की तरह परत साग बनाती हैं। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझो ने पूछा एक सवाल। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य पादप प्रकार की पादपों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपके अधोतल हो गए, ये आपका शिखर हो गया, ठीक। कुछ बच्चे झाड़ियों और सांपों के पुष्पों पर यहाँ वहां मंडराने वाले खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियां चिपक गईं। बच्चों को वृक्ष की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक कीट मकोड़े
मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी और विभिन्न छोटे छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वनभूमि की सतह पर गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वही वह सूखी व क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों, छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आद और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए बीज, विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वनभूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान व्यतीत हो रहा था। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर आनंद ने सुझाव दिया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 17.3, एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियां आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? जी, पहली ने पूछा। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाना के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने 100 पोषियों और परपोषियों और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे साग भाजी हो, भक्षी हो या मांस भक्षी हो, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें आपका कीटों को मेढक खा जाता है, मेढक को सर्प खाता है और इसे आपकी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। देख लीजिए इस पॉइंट की शब्द की परिभाषा के लिए, ये सभी आपकी कहानी गढ़ी गई है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें कीट को मेढक खा लेती, मेढक को सर्प खाता है और इसी क्रम में चलती रहती है, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। घास हो गया कीट, मेढक, सर्प, उकाब, गरुड़। ठीक, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्षों को अलग करें तो इनसे अन्य सभी घटक प्रभावित होंगे। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वनभूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर उन्हें मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्ही कीटों, मिलीपीड़ों, सरितपादों, चिंटों और भेंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और भी आपके सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ह्यूमस। ठीक, ये आपका पोषक हो गया, यहाँ से अपघटक, मृदा, जल, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा के लिए इसके क्या उपयोगिता होती है? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें अवघटक कहते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलती ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत की खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया, मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों
और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप विकास संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जंतु, ऑक्सीजन, पादप, ठीक है। ऑक्सीजन जंतु लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अधिकतर। ये आपका पादप यूज करेंगे, उसके बाद O2 जनरेट करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6वीं में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियां के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक औषधीय पादपों के बारे में भी जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी करती है। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देर देखकर उसने बच्चों के को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई दी, विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और परिचिन्हों के आधार पर करती है। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छहमान डेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक बिरंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीच बीजों को विकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों का वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। जंतुओं को छयमान गोबर नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूजो ने अपने नोटबुक में नोट किया कि पादपों की अधिक किस्मों को आशा देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिकता, अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अवघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वृत्तांत की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं और पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीरे धीरे गिर रहा था। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि किसी की सतह पर गिरी
मृत पत्तियों की परत अब कुछ गीली हो गई थी, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो के मन की ही मैं चल सोच रहा था कि यदि इतनी तेज बरसा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़क में पानी से भर गई होती। ये आपका भौम जल स्तर हो गया, मूलतंत्र। मूलतंत्र जल की भूमि, जल की भूमि में अवस्रावित होने में सहायक होता है। क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। समृद्ध वृद्धांत और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती हैं। ये आपका वाष्प उत्सर्जन और बाष्पन हो रहा है, ये वर्षा हो गई। ठीक है, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उन्हें अवसरावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल में गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। ठीक है, मृदा का अपनी जगह से हटना अपरदन ही होता है। लौटते समय बच्चों ने टीहू के गांव में एक घंटे का समय बताया। गांव का मौसम काफी सुहाना था। गांववासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़कों के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गाँव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास, लकड़ी की बढ़ती मांग हुई मांग कारण वनों का कटाव हो रहा है, विलुप्त होने लगे। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जन्म नहीं हो रहा था और पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई हुए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणाम को देखने के लिए कुछ चित्र भी बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा भी करते हैं, अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखते हैं, वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमने अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना करते रहना चाहिए। ठीक, तो इस अध्याय में आपने क्या जाना? वृक्ष वितांत को जाना है, पिताप को, वृक्ष शिखर को जाना है, अपघटक को, ह्यूमस पुनर्जन, बीज विकीर्णन, मृदा अपरदन, अधोतल वन आरोपण। तो आपने आज क्या सीखा? इसमें वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर वन बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं जिससे नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियों सबसे नीचे की तरफ परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जलवायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा अपरदन को से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं।
वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित भी करते हैं। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लेना, जो आपकी पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख लेना। भारत में वन कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र की महत्व को समझ लिया है। हाल के वर्षों में किए गए एक सर्वेक्षण से यह संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। तो ये था आपका 17वां चैप्टर वन हमारी जीवन रेखा। 18वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अपशिष्ट जल की कहानी।